एक अंग्रेजी कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी कभी कवर काफी अच्छा दिखता है और उसके अंदर बिना किसी दिमाग के लिखी जाने वाली कहानियां होती है, और कभी कभी कवर इतना अच्छा नहीं होता जितनी कि बुक के अंदर की कहानी। अब ये रूल हम सबको हर जगह लागू होता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं आगे दिए गए रिव्यू से आप समझ आएंगे। दोस्तों मैंने इसे रिलीज होने के बाद देखना शुरू किया था और आज सुबह तक ये खत्म हो गई फाइनली। नहीं ये इतनी लंबी मूवी नहीं है, बस मुझे बीच बीच में नींद आ रही थी इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। बाकी मूवी मिसेस सीरियल किलर के टक्कर की है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हो। चलिए वैसे भी कुछ नया तो आ ही नहीं रहा, फिर 2 घंटे टाइम पास तो हो ही जाएगा। अब आते हैं स्टोरी पर। तो फिल्म एक माँ के ऊपर है जो अपने घायल हुए बेटे को ढूंढ रही है और उसके सपने में एक चार्ली चैपलिन जैसा दिखने वाला शख्स उसके बेटे को लेकर कहीं जा रहा है ऐसा उसे दिखता है। फिर आगे उसे ऐसे कुछ और सपने आते रहते हैं। अब बीच बीच में फिल्म नॉन लिनियर टाइप की है तो ये पास्ट के इंसिडेंट के बारे में हमें बार बार ला कर रख देती है। अब 6 साल बीत चुके हैं और वो फिर से एक बार गर्भवती बन चुकी है, लेकिन उनकी अब दूसरी शादी भी हो चुकी है। अब ये क्यों हुई ये आपको मूवी में पता चल जाएगा, क्योंकि इनका बेटा गायब है और इसकी लाश किसी को नहीं मिलती, इस वजह से वो अब तक उसे मरा हुआ नहीं मानती। माँ का प्यार आखिर माँ का प्यार होता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा आपका इंतजार करती रहती है। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब वो गर्भवती होने के बावजूद अकेले एक तालाब के पास बैठी हुई होती है तब वो सीरियल किलर किसी लड़के को मार रहा होता है, और फिर जैसे कि हर मूवी में होता है इनका मोबाइल बजने की वजह से वो इनका पीछा करता है। अब ये पुलिस के पास पहुंच कर उसके बारे में खबर तो देती है, लेकिन उसी रात जब उन्हें लगता है कि शायद उनका बेटा वहां पर हो सकता है तब वो उसे ढूंढने निकलती है और उनका बेटा ऐसे अचानक उनकी कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब आगे क्या वो सीरियल किलर इन्हें छोड़ देगा या फिर से उसे किडनैप कर लेगा, इन सब सवालों के जवाब आपको मूवी देखने के बाद ही मिलेंगे। मूवी शुरुआती 20 से 30 मिनट तक अच्छी है, बाकी बाद में इसका ग्राफ काफी नीचे चला जाता है और इसकी वजह है फिल्म के किरदारों को अच्छे से एस्टेब्लिश ना करना। ऐसा नहीं है कि पूरी फिल्म बुरी है, कीर्ति सुरेश की परफॉर्मेंस हमेशा की तरह लाजवाब है और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक काफी हद तक हमें सीट से चिपकाए रखता है। ओवरऑल अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तभी इस मूवी को देखे, बस ज्यादा उम्मीद मत रखना। ये मूवी आपको Amazon Prime पर देखने को मिल जाएगी, बस हिंदी में डब नहीं की गई है। और इसे देखने के बाद चार्ली चैपलिन कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि अगले वीडियो में फिर से मुलाकात हो सके।